हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सफिक सर आज की लेक्चर्स में जो हम लोग लाइव क्लासेस में हो नहीं पाया अच्छी तरह से, उस क्लासेस का थोड़ा रिपीटेशन होगा। उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ अबाउट योर व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बारे में हम लोगों ने कैपेसिटर्स में भी काफ़ी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में थोड़ा हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज वी अंडरस्टैंड ए इलेक्ट्रिकल सर्किट जो देखने में बिल्कुल इस तरह से। ओके, इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, डिजाइन इट लाइक दिस। और ये पार्टिकुलर पॉइंट ए बी सी डी, बिटवीन बी एंड डी वी बेसिकली कनेक्ट ए गैल्वेनोमीटर। द रेजिस्टेंसेस आर पी क्यू आर एस, देयर इज अ बैटरी ऑफ वी वॉल कनेक्टेड आउट हियर। ओके, इस पार्टिकुलर सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ओके, और हमें जिस कंडीशंस के बारे में पढ़ना है वो ये है कि अगर इफ द रेशियो ऑफ पी बाई क्यू बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ आर बाई एस, देन आई जी विल बिकम इक्वल टू जीरो। ये आई जी क्या है? करंट इन द कैलोरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, यू कंसिडर टोटल करंट इन द सर्किट टू बी आई। Suppose out of which current I1 is coming to this side, then on this side how much will go? I minus I1. So out of the current I1, IZ is going down, then this way how much will go? I1 minus IZ. Okay, IZ is coming, I minus I1 is coming, this way how much will become? I minus I1 प्लस आई जी। आफ्टर दैट दिस वन एंड दिस वन विल जॉइन अगेन, फाइनली करंट आई विल बिकम प्लस I1 माइनस I1, प्लस आई जी माइनस आई जी कैंसल्स, आई विल रिमेन विल कम आउट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। बट व्हेन दिस रेशियो बिकम्स इक्वल, ओके, देन करंट अक्रॉस करंट फ्रॉम द बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी विल बिकम इक्वल टू जीरो। दैट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी will become equal to potential of point D. Okay, so इसको कैसे समझते हैं? एक पार्टिकुलर, लेट अस कंसीडर पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं इस टाइप का। दिस इज सपोज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, देर इज 1 ओम एंड देर इज 2 ओम। ओके, वी आर कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। Clear? We are connecting to a battery of 2 volt. A, this is C, let me call this point B and let me call this point D. Let us find out the potential of B and let us find out the potential of D. यहाँ पर लेकिन हमने इस तरह से रखा कि P by Q becomes equal to R by S. इस रेशियो को मेंटेन किया हम लोगों ने इसको दिखाने के लिए। ओके, हियर ऑल्सो रेजिस्टेंसेस आर इन द रेशियो 1:2, हियर ऑल्सो रेजिस्टेंसेस आर इन द रेशियो 1:2। ओके, अभी हमें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी। आर दे हैविंग सेम पोटेंशियल? अगर इफ दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल देन दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट विल होल्ड गुड। ओके, विल बी वैलिड, राइट? अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। विल एज्यूम द पोटेंशियल एट ए टू बी 12 एंड पोटेंशियल एट सी टू बी 0। नेगेटिव टर्म है, वी कैन एज्यूम इट टू बी 0 पोटेंशियल। ओके, सो बिटवीन ए एंड सी देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 12 वोल्ट, 12 0। व्हाट इज द ड्रॉप? 12 वोल्ट। सो इफ यू गो दिस वे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। सो करंट कितना होगा? 12 / 6, 2 एम्पीयर। दिस वे टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, करेक्ट?
So 12 divided by 3 kitna hoga 4 ampere will be the current on this side. So total current in the circuit is nothing but 6 ampere. 2 is going that side, 4 is going this side. That means how much entering? 6 ampere is entering. Ab yahan par dekho, current 2 hai aur resistance 2 hai. What is the drop here across the first? 4 volt. What is the potential here? 12. How much is dropped? 4. How much is remain? 8 volt. So potential at B is nothing but 8 volt. Clear? Similarly, what is the current this way? 4 ampere. What is the resistance? 1 ohm. So what will be the drop? 4 into 1 IR, current into resistance. 4 ones are 4. So drop is 4. What is the potential here? 12. How much it has dropped? By 4. How much has remained? 8 volt. So potential at D is nothing but 8 volt. That means between B and D, if I connect a galvanometer, between B and D, if I connect a galvanometer, okay, no current will be passing through this galvanometer because B and D are at same potential. Clear? So in this particular situation, in this particular condition, the bridge is said to be balanced. Okay? The bridge is said to be balanced. Clear? Okay. So in any situations you can find that. So now let us take another circuit. Let us take a different circuit. Let us take a situation in which the bridge is not balanced. This is a Wheatstone bridge. This circuit is same. Okay. Suppose 2 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm. 4 ohm. Wait. Four ohm. Two. Okay. अब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी हाँ, गॉट डिस्टर्ब. इसमें रेजिस्टेंस बैटरी डाल देते हैं. कितना बैटरी डालेंगे? चलो 12 वोल्ट वाला ही डाल देते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस हो सकता है. लेकिन आज की व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट. They can ask you what is the current between A and B. They can ask you what is the current between B and D. Or they can ask you what is the current between B and C. Or what is the potential difference between D and C. Many questions they can ask. Okay. Let us solve this particular problem in general. Taki we can address all the situations out. Isko solve karne ke liye hum kya karte hain? Let us talk about the current distributions. So this particular current is I. Okay. Suppose current here is I1. Then across 4 ohm current will become I minus I1. Okay. Ye particular circuit mein ye unbalanced hone se bhi kuch symmetry hai. Dekho yahan par 2 hai 4 hai ya ulta ho gaya 4 2. Okay? So this side se kitna current entry ho raha hai? I current. To yahan se kitna current aayega? Bahar I current ko aana hai. तो यहां से देखो यहां पर कितना गया था 2 ओम I1. सो 2 ओम से कितना जाएगा I1. बोलेगा 2 ओम तुमको तो I1 दिया गया था तो यहां से I1 निकालो. ओके उसी हिसाब से यहां पर I1 इसको बोलेगा I1 निकालो. राइट ये सिमेट्री मेंटेन होगा यहां पर. यानी यहां से I1 था सो 2 ओम से I1 निकल के जाएगा. 4-1 की तरफ कितना आया था I-I1 सो 4 ओम से कितना निकल के जाएगा I-I1. ओके सो यहां कितना करंट फ्लो होगा I1 यहां पर कितना बन गया I माइनस
I माइनस आई वन, तो यहाँ पर कितना होना पड़ेगा, यहाँ I वन था, यहाँ I वन माइनस हो गया, ट्वाइस I वन माइनस I. देखो दिस इज करंट एंटरिंग I वन, दिस इज गोइंग आउट, दिस इज गोइंग आउट. इफ आई एड दिस टू आई शुड गेट बैक I वन. चलो मैं ऐड करके देखता हूँ, ट्वाइस I वन माइनस I, ये वाला प्लस ये वाला प्लस I माइनस I वन, तो आई आई कैंसिल, ट्वाइस आई वन माइनस आई वन कितना हो गया आई वन, विच इज द करंट एंटरिंग. ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो गया, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो गया. अब हमें आई आई निकालना है और आई वन निकालना है, हमें बाकी सब कुछ मिल जाएगा. आई और आई वन निकालना है, इसके लिए हमें दो अननोन है, इस दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा. उस दो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग लूप रूल यूज करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल. सो उसके लिए सबसे पहले मैं लूप कंसिडर करता हूँ, लूप ए बी डी ए, इस लूप को कंसिडर करता हूँ, ए बी डी ए. मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँगा, ए बी डी ए के डायरेक्शन में. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, ए से शुरू करेंगे, मैं वापस ए तक आना है. सो व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम ए एंड आई विल कम बैक टू ए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंशियल बिकम इक्वल टू जीरो. When I'm coming from A and returning back to A, total potential drop will become zero because starting point and the final point is going to be the same. So from A, when I'm going in the direction of current, there will be drop. Drop kitna hoga? Current into resistance. Current kitna hai? I1. Resistance kitna hai? 2. To drop ke liye main kya likhunga? Minus. Minus. Isme likhta. Minus twice I1. जाके यहाँ पहुंचा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ड्रॉप. अगेन वी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कितना है, फोर इंटू करंट माइनस फोर इंटू करंट कितना है, ट्वाइस आई वन माइनस आई. देन फ्रॉम डी टू ए वी आर गोइंग अगेंस्ट करंट, विल बी राइजिंग करंट, कितना है करंट, कितना है राइजिंग, विल बी राइजिंग पोटेंशियल, कितना है राइजिंग पोटेंशियल, ओके फोर इंटू, फोर इंटू I minus I1. This is equal to zero. So starting in the final point is same. So yahan se kitna mila hame? Minus twice I1. Minus 8 I1. Minus 4 I1. So minus 14 I1. 2, 8, 10. Minus 4, 14. Yahan minus minus plus 4 I. Plus 4 I. Kitna ban gaya? 8 I. Just check it out. Whether it is correct or not. Zero. So finally how much we get? 8i is equal to 14i1. That means 4i is equal to 7i1. Correct? This is equation 1. Isko yaad rakho. Isko yaad rakho. Now I'm going to a different loop. Kaunsa? Sorry, wala concept is B, C, D, B. Dekho, ye loop aur ye loop mein jo components hai na, bilkul same hai. 2 hai, 2 hai, 4 hai, 4 hai, 4 hai, 4 hai. सो यही आंसर, इसको लूप इस बी सी डी बी को लोगे तो तुम्हें यही आंसर मिलेगा, इसलिए हम एक दूसरा लूप में जाते हैं. ओके, इस पॉइंट को काम करो ई और इस पॉइंट को एफ बता दो. ठीक है, मैं कंसीडर करूंगा लूप, कौन सा लूप कंसीडर करोगे, ए बी सी ई एफ ए, ए बी सी ई एफ ए, ये लूप कंसीडर करते हैं. ओके, विल गो फ्रॉम हियर, विल रिटर्न बैक. ओके, रेडी फ्रॉम ए, देयर इज अ ड्रॉप, ड्रॉप कितना है लाइक बिफोर, माइनस ट्वाइस आई वन. देन क्रॉसिंग फोर, व्हाट इज अ ड्रॉप, माइनस फोर आई माइनस आई वन, गोइंग 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 दिस वे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर इज अ राइज अक्रॉस द बैटरी, कितना इंक्रीज है, 12. वेयर यू हैव रीच्ड पॉइंट ए. सो ए से शुरू किया था, वापस ए पहुंच गया, व्हाट इज अ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, जीरो. ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से इक्वेशन कौन सा मिलते देखते हैं, माइनस ट्वाइस आई वन माइनस माइनस प्लस फोर आई वन. ओके, सो माइनस ट्वाइस आई वन प्लस फोर आई वन विल गिव अस ट्वाइस आई वन, माइनस फोर आई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. इज इट ओके? ओके, सो फोर आई कितना है,
7i1. Just check it once. Twice i1, 4i minus i1 plus 12 is equal to 0. Minus twice i1, minus minus plus 4i1. Clear? Minus 4i plus 12 is equal to 0. Minus twice i1 plus 4i1 is twice i1, minus 4i1 plus 12. Okay, fine. तो हम क्या करते हैं, 4i का वैल्यू कितना है, 7i, 4i इज इक्वल टू 7i1, तो वी रिप्लेसिंग इट, सो ट्वाइस i1 माइनस 7i1 इज इक्वल टू माइनस 12, आई हैव ट्रांसफर्ड टू द अदर साइड, सो माइनस 5i1 माइनस 5i1 कितना होगा, इज इक्वल टू माइनस 12. So how much you are getting, I1 is equal to 12 divided by 5. 12 divided by 5. How much is coming? 2.4 ampere. I have to verify it once. Check it once. Whether this answer is correct or not. Loop A, B, C, E, F, A. Okay, twice i1 minus 4i minus i1. Okay, plus 12 is equal to 0. Okay. So minus twice i1 minus 4i plus 4i1 plus 12 is equal to 0. Okay, fine, correct. प्लस ट्वाइस आई वन माइनस फोर आई माइनस फोर आई इज इक्वल टू 7i. यहाँ पर इस लूप को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. ट्वाइस i1 माइनस फोर ट्वाइस i2 माइनस i. ओके, प्लस 4i माइनस i1 इज इक्वल टू 0. ये माइनस 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 10 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 एंड दिस इज minus minus plus 4i plus 4i 8i. Okay, so that is where 4 7, correct, everything is correct. 5 2 10 20, 5 4 20, this is 2.4. so therefore how much will become i, how much will become i? So from equation 1 you can do it here also. Equation 1 implies i is equal to 7 by 4 i1, 7 by 4 i1, but what is i1? 12 by 5. What is i1? 12 by 5. Okay, so or you can call it as 2.4. okay, 7 into 0.6, 7 6 42, 4.2 ampere. So once you get these values, I and I1, you get everything. Okay, you get everything. You can find out everything. Someone asks you, what is the equivalent resistance? Someone asks you, what is the equivalent resistance? R equivalent kitna hai? You can tell R equivalent is nothing but potential divided by total current. Because this entire group I need to replace by single. What does it mean? Potential divided by current. What is the potential? 12 volt. What is the current? I. Kitna mila I? 4.2. This is going to be your equivalent resistance of the circuit. Okay, calculation को आप लोग एक बार verify करो अच्छी तरह से. Okay, the method मैंने समझा दिया, हो सकते हैं कहीं कुछ calculation में कुछ गड़बड़ लग रहा है. Okay, anyway, ये तुम्हारा Houston bridge था, ये तुम्हारा Houston bridge था. Okay, इस Houston bridge को use करके एक बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज, दूसरा अनबैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज हम निकाल सकेंगे. ह्यूस्टन ब्रिज की पर डिपेंड करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिसको मीटर ब्रिज कहते हैं. मीटर ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, मीटर ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, एग्जाम में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं. मीटर ब्रिज,
This instrument is based on Houston Bridge. It is based on Houston Bridge. It is based on Houston Bridge. Okay. Exactly this particular apparatus, okay, it is based on Houston Bridge. It is used in finding unknown resistance. इसको किसमें इस्तेमाल किया जाता है? To find unknown resistance. In fact, the meter bridge, the method involving meter bridge in finding unknown resistance is one of the most accurate method.